हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मोटिवेशन की भी क्लासेस कंटिन्यू रखे हुए हैं और आगे भी रखते रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मोटिवेशन क्लासेस को लेके, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। और काफ़ी जो भी मैं स्टडी से रिलेटेड आपको पढ़ाती हूँ, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर या फिर मैथ से रिलेटेड, सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ तो कुछ नया टॉपिक लेके। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ सैनिटाइजर के बारे में। जैसे कि COVID-19 और कोरोना वायरस की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसकी खपत ज़्यादा हो रही है, मगर हम ये नहीं जानते हैं कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे शरीर के लिए एक हानिकारक चीज़ भी बन सकती है। इसके बारे में आपके सामने बात रखने वाली हूँ, तो क्लास को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके बगल में ही बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि मेरी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये कि मैं आपको बता दूँ, हम सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि अगर COVID-19 या कोरोना वायरस की वजह से चल रहा है तो हमें करना है, बहुत से लोग इससे पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसका जो इस्तेमाल है वो हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास सोप नहीं है, यानी साबुन नहीं है, तो अपने हाथ को क्लीन करने के लिए हम लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। बट अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमें बार 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 सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, COVID-19 का जो प्रकोशन है उसके अंदर बताया है कि हमें हाथों को साफ रखना है। तो अब ये है कि हाथों को साफ रखने का तरीका खाली ये नहीं है कि हम सैनिटाइजर यूज़ करें, ये है कि हमें सैनिटाइजर तब इस्तेमाल करना है जब हमारे पास पानी या सोप ना हो, पानी या सोप ना हो। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके नुकसान बहुत हैं। फ़ायदा तो ये है कि इससे क्या होता है कि हमारे हाथों के जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारा जो हाथ है वो जर्म्स फ्री हो जाता है, उसके बाद डरने की कोई बात नहीं होती है। बट मैं आपको इसके आज कुछ नुकसान बताने वाली हूँ। नुकसानों में सबसे पहला नुकसान ये है कि ज़्यादा अगर हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, आप लिमिटेड करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा साबुन से हाथ धोएं, यानी डेटॉल हो गया, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं जो जर्म्स फ्री सोप बनाती हैं, आप उस साबुन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पेपर सोप का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि पूरे दिन में 3 या 4 बारी आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका नुकसान पहला तो यह है कि भाई इसके अंदर है टाइक्लोसान नाम का एक रसायन होता है, मतलब एक केमिकल होता है, जब हम उसे अपने हाथों पर लगाते हैं तो वो क्या होता है, सोख जाता है हमारे हाथों में, मतलब हाथ ना ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर वो हमारे हाथों की जो नसें हैं उसके द्वारा हमारी मांसपेशियों में जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दूसरा आपको बताऊं, कुछ लोगों को सैनिटाइज़र से एलर्जी भी होती है, यानी कि ज़्यादा सैनिटाइज़र जो यूज़ करते हैं उनके हाथों में जलन, दाने या खुजली जैसा होने लगता है। ठीक है, अगला यह है कि सैनिटाइज़र में खुशबू, आप देखते हो ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सैनिटाइज़र आते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की खुशबू होती है, उसके लिए ये होता है कि उसके अंदर फैकलेट्स मिलाने से ये नुकसान होता है कि जैसी वो खुशबू, ऐसा होता है किसी किसी को जो जब ज़्यादा खुशबू आती है तो वो माइंड में चढ़ने लगती है, तो उससे वॉमिटिंग वगैरह भी होने लगती है बहुत से लोगों को। दूसरा ये कि वो जो है खुशबू, या जब हमारे हाथों में लगाया तो भाई जाहिर सी बात है हम कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो वो हमारे पेट में भी जाएगा, तो इससे लीवर, किडनी ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है कि उसके अंदर अल्कोहल भी मिला होता है, ये सभी जानते हैं कि सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल मिला होता है, तो अल्कोहल जो होता है कि हम अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं, जो वो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। एज वेल एज एक बात करूं मैं आपसे कि हम जैसी लेडीज़ जो घर में हैं खाना बनाती हैं, वो भी सैनिटाइज़ करके अपने हाथों को जब कुकिंग के लिए जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं सैनिटाइज़र लगाए तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप जब किचन में जाएं तो साबुन से बहुत अच्छे से हाथ धो लें। ठीक है, सैनिटाइज़र का कम इस्तेमाल करें क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है, हम किचन में रहते तो गैस ऑन करते तो उससे हाथ जलने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है सैनिटाइज़र को लेकर, कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हम करें, हमें करना चाहिए, ऐसे माहौल में करना चाहिए क्योंकि हमें बैक्टीरिया फ्री और जर्म्स फ्री रहना है। बट
कम करें, जब जरूरत पड़े आपको लगे कि आपके पास पानी या सोप नहीं है तभी इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, बैक्टीरिया फ्री या जर्म्स फ्री सोप का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर को कम इस्तेमाल करें। उससे सिर्फ यही बेनिफिट है कि हम भी बचे रहेंगे क्योंकि हमारी मांसपेशियों में वो चला जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी इम्यूनिटी पावर भी कम होती है, तो ये सारी चीज़ें वो झेल नहीं पाएंगे जिससे उनको बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, वैसे तो हमें कहीं जाना नहीं है, फिर भी कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तो हम जा रहे हैं तभी हम इस्तेमाल करें। घर में हम रह के साबुन का ज़्यादा से ज़्यादा ही इस्तेमाल करें, ठीक है। आई होप सो ये छोटी सा जो मैंने नॉलेज आपके साथ शेयर किया है आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगले सेशन में मिलते हैं, जब तक ओके टाटा बाय बाय।